क्लासेस मेरा नाम यूवराज मलिक है और आप देख रहे हो फिजन ऑनलाइन स्टडी, जिसके थ्रू मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर कराने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको चार पार्ट तक करा चुका हूँ और लास्ट फोर पार्ट में मैंने आपको ग्रेफाइट एंड फ्लुएंट के बारे में बताया है। और उसके बाद आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसके थ्रू मैं आपको कैटेनेशन और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कराने वाला हूँ, जिसमें हमें यह पता लग जाता है कि कार्बन का नेचर जो है बहुत ही वर्सेटाइल होता है, वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और भी बहुत सारे उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके थ्रू कार्बन को वर्सेटाइल बोलते हैं। और इसके अलावा एक कार्बन की और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बन होता है वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे चैन स्ट्रक्चर हो गया, ब्रांच स्ट्रक्चर हो गया, क्लोन स्ट्रक्चर हो गया, जिसको साइक्लोजेंस वगैरह बनते हैं। और इसके थ्रू उसे आइसोमर्स की प्रॉपर्टी भी कार्बन शो करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम ये भी मान सकते हैं कि आइसोमर्स का टॉपिक या कैटेनेशन का टॉपिक 3-4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आना ही आना, इट इज डेफिनेटली श्योर। ओके, सो लेट स्टार्ट। और हमें ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से रखना है, हर पॉइंट को नोट करना है और बार बार वीडियोस को देखना है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। तो अगर आप इसमें से कुछ भी सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या क्या कमी है और क्या क्या अच्छा है। मोर थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। और कैटेनेशन क्या होती है? टेंडेंसी टू फॉर्म सी सी बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है उसे कैटेनेशन बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं कैटेनेशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड विद एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। अगर सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसे कैटेनेशन बोलते हैं। और ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन इसमें मल्टीपल फॉर्म बना सकता है। अगर हम बात करें कैटेनेशन की, तो सिलिकन और कार्बन दोनों कैटेनेशन की फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये चैन बना सकते हैं। तो ये इनकी टेंडेंसी होती है कि चाहे वो सिलिकन हो चाहे वो कार्बन, ये दोनों कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत बड़ी बड़ी चैन्स बना सकते हैं। कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, स्ट्रेट चैन्स, ब्रांच चैन एंड क्लोज चैन्स, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम आगे टॉपिक्स में करेंगे। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है टेट्रा होती है, टेट्रा मतलब होता है फोर, इसका मतलब है कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। फोर बॉन्ड का मतलब क्या है कि अगर हम देखते हैं कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी पहली क्लास में 2 और दूसरी क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, और जिसमें वो एच से शेयर कर लेता है। ठीक है, जिससे एच के भी कंप्लीट पूरे हो जाते हैं दो दो, और जो सी के 8 हैं, सी के 8 भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 4 तो खुद उसके पास हैं और 4 वो हाइड्रोजन से ले लेता है। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन टेट्रावेलेंसी होती है और इसी वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बना पाता है। टेंडेंसी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। और ड्यू ये ऐसा पॉसिबल क्यों है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्यों कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है, ये इसलिए क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और कार्बन इसलिए इजीली फॉर्म कर लेता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए ही इसे मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, जो कि अपने आप से बना सकता है, मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पर चलते। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स का मतलब होता है, ओके सो आइसोमर्स का मीनिंग होता है कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट जो उनके स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, एक मोर देन 2 बन सकते हैं, मोर देन 1 बन सकते हैं,
तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स बोलते हैं। द फिनोमिना और एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमर्स, मतलब ये जो फिनोमिना होता है जिसमें स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं उसे आइसोमर्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें C3H12 का, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। C3H12 मतलब इसमें कार्बन सी कार्बन है 3 और H है 12। और ये मिस्टेक हो गई है मुझसे, 1 2 3 4 5, ये कार्बन 5 है, कार्बन 3 नहीं कार्बन 5 है। तो हम देखेंगे कि C5H12 है क्या। अगर हम देखते हैं तो यह है एक एल्केन है। ओके, एल्केन के थ्रू हम देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, तो इट इज़ करेक्ट। अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, सी कितने हो गए 5, और एच कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एच 12 हो गए। और अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5, ये C5 हो गए, और एच कितने हो गए 3 6 9 12। तो हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम है, C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये तो हो गया हमारा चैन स्ट्रक्चर, ये हो गया सिंगल ब्रांच स्ट्रक्चर, ये हो गया डबल ब्रांच स्ट्रक्चर। इनके नेमिंग क्या होती है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें IUPAC करवाने वाला हूँ आपको, और जिसके थ्रू मैं आपको इतने अच्छे से IUPAC कराऊंगा कि IUPAC आपके फिंगर्स पर आ जाएगी, जिसमें आप कार्बन देखते ही बता दो कि ये कौन सा कंपाउंड है, क्या इसका नाम है, सब कुछ आप इजीली कर पाओगे। फिलहाल हमें यह देखना है कि आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम आ रहे हैं बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहे हैं, उसे आइसोमर्स कहते हैं, सिंपल। दूसरा एग्जांपल है C2H6O। C2H6O में फंक्शन ग्रुप भी अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इसका पहला स्ट्रक्चर बनता है CH3O CH3, और इसमें काउंट करो सी कितने हैं, 1 2, सी हो गए 2, एच कितने हैं 3 और 3 6, एच है 6, ओ कितने हैं, ओ C2H6 हो गए। अगर हम C2H5OH की बात करते हैं, अगर हम C2H5OH की बात करते हैं तो इसमें C कितने हैं 2, H कितने हैं 5 और 1 6, और O कितने हैं 1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, ये अल्कोहल है और ये इधर है। तो हम ध्यान देंगे कि स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसे आइसोमर बोलते हैं हम। इन दोनों एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हम ध्यान देंगे, नोट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी NCERT की बुक से ज़रूर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए होंगे, जिसमें कैटेनेशन जो टेंडेंसी टू बॉन्ड विद सेम काइंड ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन, एंड आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आई नोन एज आइसोमर। तो हम ये दोनों टॉपिक को ध्यान देंगे, इनके एग्जांपल्स को ध्यान देंगे, और इसको नोट करेंगे, लर्न करेंगे, अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।